हेलो गाइस गाइस, आज मैं कटहर बना रही हूँ ग्रेवी वाली। और मेरी तैयारी सारी हो चुकी है, मैंने मसाले तैयार कर लिए अपने। हमें पहले कटहर को मैंने साफ कर लिया है, इसे धो लिया है। अब मैं इसे फ्राई करूंगी। मेरा तेल गरम हो चुका है, पहले मैं कटहर फ्राई करूंगी। ये मेरी आधी किलो कटहर है और ये मैंने लहसुन और प्याज का पेस्ट बना लिया है और हरी मिर्च मैं खड़ी रखूंगी। गाइस, मेरा तेल गर्म हो चुका है, मैं इसमें कटहर छोड़ूंगी। अब मुझे इसको लाल फ्राई करनी है, ब्राउन कलर की। तब तक मैं इसे फ्राई होने देती हूँ, मैं टमाटर चॉप कर लेती हूँ। गाइस, मेरी कटहर फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसे निकाल रही हूँ। गाइस, मैं इसमें तेल डाल रही हूँ गर्म होने के लिए, मसाला तैयार करना है मुझे। तो मैंने आधा छोटा चम्मच तेल लिया है ये। गाइस, मैं इसमें थोड़ा सा जीरा, ये मैंने प्याज और लहसुन का पेस्ट तैयार करा था, इसमें मैंने हरी मिर्च सीधी काट दी है। मेरे प्याज सब्जी तैयार हो चुकी है, मसाला पक गया है। अभी मैं इसमें लाल मिर्ची डाली हूँ 1 चम्मच, और धनिया पाउडर 1-2 चम्मच डालूंगी, हल्दी 1/2 चम्मच, नमक मैं 1/2 चम्मच डालूंगी, आप अपने अकॉर्डिंग डालना। हल्का सा पका के मैं इसे पानी ऐड करूंगी, हल्का सा। 3 टमाटर का पेस्ट है, मैं इसे इसमें डालूंगी। अब मैं इसमें कम आंच करके दही डालूंगी, दही फटेगा नहीं मेरा कम आंच पे, और इसको चलाना है मुझे हाथ पे। हल्का सा पानी इसमें डाल के मैं इसमें डाल रही हूँ, और मैं इसे ढक दूंगी मसाला पकने तक। इसमें कटहर डाल दिया मैं इसे मिक्स करके, और हल्का सा पानी डाला है, हल्का सा बिल्कुल नाम का 1/2 गिलास। अब मैं इसमें सीटी लगाऊंगी। गाइस, देखिए मेरी कटहर तैयार हो गई है। अब मैं आपको ग्रेवी इसकी दिखाती हूँ। गाइस, देखिए मेरी कटहर सब्जी तैयार है, ग्रेवी वाली बनाई है मैंने, और आप भी ट्राई करना। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, और एक बार आप भी कोशिश करना यार ग्रेवी वाली बनाने की। और मैं अगली रेसिपी में आपको मिलूंगी। बाय बाय गाइस।